नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। जमीन विवाद के मामले हमेशा से ही सामने आते रहे हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जमीन किसी और का और उस पर कब्जा कोई और कर लेता है, उसके जो दस्तावेज हैं उसे कोई और ले लेता है। ये इस तरीके के मामले हमेशा से ही सामने आते रहे, लेकिन इसको लेकर के सरकार ने कोई पुख्ता इंतज़ाम नहीं किया, कोई ऐसे नियम नहीं लाए जिसमें कि आप अपने दस्तावेजों को सुरक्षित रख सकते हैं या आपके ज़मीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। लेकिन सुशासन की सरकार में अब इस मामले पर भी संज्ञान लिया गया है और एक नए नियम को हाल ही दिनों पहले लाया गया था। वो ये था कि आप अपने खाता खेसरा को अब ऑनलाइन यानी डिजिटल माध्यम से भी बनवा सकते हैं। इससे एक प्रॉफिट जो आपको होगा वो ये होगा कि आपका समय बचेगा और आपके जो कागज़ हैं वो सुरक्षित है, आपके पास रहेंगे। अब दूसरा नियम एक बार फिर से लाया गया है, वो ये है कि आप अपने 27 ऐसे दस्तावेज जो कि ज़मीन से जुड़े हैं उसको आप अपने पास रख सकते हैं डिजिटल माध्यम से। क्या है पूरी खबर, किस तरीके से आप अपने खाता और खेसरा या फिर और भी जो ज़मीन से जुड़े दस्तावेज हैं उसको आप सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरीके से ये काम होगा, आइए हम आपको इसके बारे में पहले विस्तार से बताते हैं। CBSPL नामक एजेंसी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। सोमवार को एजेंसी ने पूरी प्रक्रिया को प्रेजेंटेशन के जरिए दिखाया। अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह एवं सर्वे के निर्देशक जय सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने इसे देखा। प्रयोग के तौर पर एजेंसी को सुपौल जिला के पिपरा में 15 जुलाई से शुरू हो रहे आधुनिक अभिलेखाकार के दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन की जवाबदेही दी गई है। काम संतोषजनक रहा तो सभी लेखागारों का काम दिया जाएगा। डिजिटल के अलावा दस्तावेजों को मूल रूप में भी सुरक्षित रखा जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने बताया है कि चकबंदी से जुड़े दस्तावेजों में A4 साइज के कागजात के अतिरिक्त A3 और A2 साइज के बड़े दस्तावेज भी शामिल हैं। एजेंसी इन दस्तावेजों को संबंधित कार्यालय में जाकर डिजिटलाइज करेंगी। चकबंदी के ऐसे कार्यालयों की संख्या करीब 150 है, इसमें 39 सक्रिय हैं जहां सभी चकबंदी का काम चल रहा है। इस महीने 120 अंचलों में आधुनिक अभिलेखाकार काम करने लगेंगे। 534 में से 436 अंचलों में आधुनिक अभिलेखाकार सह डाटा केंद्र का 2 मंजिला भवन बनकर तैयार होगा। इन 436 अंचलों में से 267 अंचलों को संसाधन जुटाने के लिए 16,10,000 रुपए दे दिए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि उन राजस्व अभिलेखों की संख्या 27 है जिसका भविष्य में स्कैनिंग और डिजिटलाइजेशन होना है। इसमें खतियान रजिस्टर 2 और भूजरत से लेकर विभिन्न प्रकार के कार्यालय द्वारा गए न्याय निर्णय शामिल हैं। अंचल से लेकर जिला के अभिलेखाकारों तक में रखे गए हैं, संख्या करोड़ों में है। विभाग का आकलन है कि इसका स्कैनिंग और डिजिटलाइजेशन के जरिए न केवल इसको संरक्षित किया जा सकता है बल्कि आम नागरिकों को भी सुविधा दी जा सकती है। बैठक में निर्देशक भू अर्जन सुशील कुमार, संयुक्त निर्देशक चकबंदी युगल किशोर, अनुदेशक चकबंदी अनिल कुमार सिंह सहित अन्य पदाधिकारी भी वहाँ मौजूद थे। तो आपको बता दें कि बिहार में दस्तावेजों से जुड़े डिजिटलाइजेशन और स्कैनिंग की योजना इस माह के लास्ट तक या अगले माह यानी कि अगस्त के शुरुआत तक पूरी की जा सकती है। यानी कि अब आप अपने दस्तावेजों को स्कैनिंग और डिजिटलाइजेशन तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं और इस पे सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार होगा। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। नमस्कार।